हेलो स्टूडेंट, पीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक लेक्चर और लेकर आया हूँ, एक्सरसाइज 8.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसके पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने पिछले लेक्चर बना चुका है, तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपका आने वाला नया वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आ जाए। और पिछला लेक्चर ज़रूर देखिए क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ बताए हैं हमने। अब चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक, देख लीजिए क्या दिया है। सेक थीटा गिवन हमें क्या है, सेक थीटा 13/12। ठीक, ये गिवन है, गिवन है सेक थीटा अपॉन 13/12। चलिए देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले ठीक ए बी एंड सी, दिस इज राइट एंगल। ठीक, ट्रायंगल एबीसी बना लिए। अब ये क्या है एंग थीटा, और देखिए थीटा के सामने वाली क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर मतलब लंब, और ये क्या है कर्ण हाइपोटेनस, और ये क्या है बेस मतलब आधार। तो आपको मैंने एक चीज़ बताया था कि पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले को नहीं भूलना है। अब देखिए सेक थीटा क्या होता है 13/12, तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है कॉस थीटा का। सेक थीटा किसका उल्टा होता है कॉस थीटा का। तो आप देख सकते हैं कि हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, मतलब हम कह सकते हैं कि इस एबीसी ट्रायंगल में एसी क्या है हाइपोटेनस है, और एबी क्या है बेस है, एबी क्या है बेस है। तो चलिए लेट कर लेते हैं, लेट एसी इक्वल 13 के एंड बीसी इक्वल 12 के। तो देख सकते हैं एसी कितना है 13 के, सॉरी बीसी नहीं है, ये एबी है, ये क्या है एबी। ठीक है, एसी हाइपोटेनस है और एबी क्या है बेस, तो कितना है 12 के। ठीक, अब चलिए हमें क्या पता है कि पैथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्या होता है पैथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बाई पैथागोरस थ्योरम, किसके द्वारा, बाई पीटी या पैथागोरस थ्योरम के द्वारा, पैथागोरस प्रमेय के द्वारा। हाइपोटेनस क्या है एसी का स्क्वायर, यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है बीसी का स्क्वायर, और यहाँ से बेस क्या है एबी का स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट देखिए हाइपोटेनस मतलब कर्ण कितना है एसी स्क्वायर, बीसी क्या है आपका परपेंडिकुलर मतलब लंब का स्क्वायर, और ये क्या हो गया आधार का स्क्वायर। एसी आपके पास देख सकते हैं कितना है 13 के का होल स्क्वायर, बीसी देख सकते हैं आपके पास कितना है बीसी का स्क्वायर, और एबी आपके पास है 12 के का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ देखिए 13 क्या होल स्क्वायर क्या, 13 का क्या हो जाएगा 13 16 9, और के इंटू के तो के स्क्वायर इक्वल बीसी का स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा 12 का 144 के स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ देख सकते हैं 169 के स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 144 के स्क्वायर इक्वल बीसी का स्क्वायर हो जाएगा। 169 माइनस 144 तो 9 में 4 गए तो 5, और 6 में 4 गए तो 2, और 0 तो 11 में जो 0 तो के स्क्वायर बीसी का होल स्क्वायर। तो अब देख लीजिए ए स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा रूट ओवर 25 के का स्क्वायर। ठीक, क्या आ जाएगा रूट ओवर 25 का के स्क्वायर, सॉरी 25 का के स्क्वायर, तो 5 जा कट जाएगा तो 5, और के क्या आ जाएगा 5 के। यहाँ से देखिए स्टूडेंट अच्छे से समझिए कि ये 5 के आया कैसे, 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 या 25, तो जोड़ा बना तो 5 आ गया, और के इंटू के मतलब के का गुणा होगा के से तो 1 के बाहर निकल जाएगा। अब देख लीजिए बी सी इक्वल क्या आ गया हमारे पास 5 के। अब हमें क्या निकालना है, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। तो ठीक है, देखिए हमारे पास ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा, एंड टेन थीटा तो साइन का उल्टा कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो आप देख सकते हैं कि सेक थीटा तो दिया था, 5 बचते हैं हमारे पास, तो सबसे पहले हम साइन थीटा फाइंड करते हैं। देखिए साइन थीटा तो ये थीटा के लिए परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है और ये बेस ए,
तो सबसे पहले क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब बीसी परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूस क्या है एसी। बीसी क्या है 5 का के और 13 के, के से के कट जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 5/13। ठीक स्टूडेंट, अब देखिए साइन थीटा के बाद कॉस थीटा हमें फाइंड करना है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है एबी, आधार बटे क्या हो जाएगा कर्ण, तो एसी, तो एबी कितना है 12 के, बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 12 के अपॉन 13 के से के कट जाएगा तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। कॉस थीटा कितना आ जाएगा 12/13। अब देखिए हमको क्या निकालना है, टेन थीटा क्या होता है आप लोग सब जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है बीसी और बेस क्या है एबी, तो बीसी देख लीजिए स्टूडेंट क्या है 5 के और एबी क्या है 12 के से के कट जाएगा तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है 5/12। टेन थीटा की वैल्यू क्या है 5/12। अब देखिए स्टूडेंट हमें क्या फाइंड करना है, कोसेक थीटा। आपको पता है कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, सॉरी कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस क्या है एसी और परपेंडिकुलर क्या है बीसी, तो एसी की वैल्यू है 13 के और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 5 के, तो के से के कट जाएगा तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास 13/5। कोसेक थीटा 13/5। अब देख लीजिए क्वाड थीटा आपको पता है 110 का क्या होता है, 10 थीटा का उल्टा, मतलब 1/10 थीटा क्वाड थीटा होता है, तो 10 थीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितनी 5/12, तो ये चला जाएगा 12 ऊपर चला जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि क्वाड थीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 12/5। ओके स्टूडेंट, देखिए आपके ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ चुके हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ राइट करिएगा, फिर यहाँ से आप इसको राइट करिएगा, फिर इसको राइट करिएगा, और फिर देखिए देयरफॉर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आर, देख लीजिए यहाँ से क्या है, सबसे पहले साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है 5/13, इसके बाद कॉस थीटा कितना है 12/13, इसके बाद टेन थीटा आप देख सकते हैं कितना है 5/12, इसके बाद देख सकते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या है 13/5, इसके बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा हमारे पास क्या है 12/5। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सिक्स है इस सीरीज का, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। ठीक, एंगल ए और एंगल बी क्या है एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब न्यून कोण, तो आप कह सकते हैं 0° से लेकर 90° के बीच में जितने भी एंगल आएंगे वो क्या एंगल कहलाएंगे, एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण कहलाएंगे। ठीक, सच दैट कॉस ए इक्वल कॉस बी, अब बोला है कॉस ए इक्वल कॉस बी, देन सो दैट एंगल ए एंगल बी। ठीक, सबसे पहले तो हम क्या बना लें, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, देखिए ये ट्रायंगल हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो देखिए सबसे पहले एक्यूट एंगल की बात किया है तो ए और बी, ठीक आप बोल सकते हैं एंगल ए इक्वल एंगल बी, मतलब कॉस ए और कॉस बी मतलब दोनों क्या होना चाहिए एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल देख सकते हैं यहाँ पे 45 और 45, तो 90 से छोटा 0 और 90 के बीच में होगा तो क्या कहलाएगा एक्यूट एंगल। अब ये क्या है 90° राइट एंगल है तो ये क्या हो जाएगा सी। ठीक, ए बी सी ट्रायंगल क्या ले लें, लेट ट्रायंगल ए सी बी, लेट ट्रायंगल ए सी बी, ठीक ए सी बी इस राइट ट्रायंगल, सी इस राइट एंगल। ठीक, सी क्या है राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है देख सकते हैं, एंड एंगल ए
एंड एंगल बी इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। देखिए स्टूडेंट आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ट्रायंगल ए सी बी इसे राइट एंगल, सी इसे राइट एंगल, सी क्या है समकोण है एंगल ए, और एंगल बी क्या है न्यून कोण है, ठीक। और एंगल ए एंड एंगल बी इसे एक्यूट एंगल, और ये दोनों एंगल क्या है एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है ना, 45-45 डिग्री का है, ठीक। अब देख लीजिए हमें क्या गिवन है, कॉस ए इक्वल कॉस बी, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। देखिए हमने आपको एक रूल बताया था, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, ठीक। तो यहाँ देखिए कॉस ए, कॉस ए क्या हो जाता है हाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब आधार। अब देखिए इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, है ना, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, एंगल ए के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बेस मतलब ये आधार और ये लंब हो जाएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा इसके लिए हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण। अब देखिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए सी, और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा बी सी, ठीक। तो देखिए कॉस ए, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस ए के लिए एक देखिए बेस क्या है हमारा ए सी, बेस क्या है ए सी, और हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा ए बी, ठीक। अब देखिए कॉस बी के लिए, बी के लिए अब बेस क्या हो जाएगा बी सी, क्या हो जाएगा बेस बी सी, और आप देख सकते हैं हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा ए बी, ठीक। अब यहाँ से देख सकते हैं ए बी और ए बी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा ए सी इक्वल बी सी, ठीक, क्या आ जाएगा ए सी इक्वल बी सी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से एंगल ए इक्वल एंगल बी, ठीक, एंगल ए इक्वल एंगल बी राइट कर सकते हैं स्टूडेंट। और यहाँ से क्या एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल हो सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, एंगल अपोजिट साइड टू द इक्वल साइड्स, ठीक है, इक्वल साइड्स करेगा तो एंगल क्या हो जाएगा अपोजिट, एंड प्रूफ हमको यही करना था एंगल ए इक्वल एंगल बी, हेंस प्रूव्ड, ठीक। अब देखिए दो नंबर के पेपर में आए, तीन नंबर तो ये करना है, बाकी एक और मेथड अल्टरनेट मेथड मैं किसी दिन उसको भी आपको बता दूंगा स्टूडेंट, ठीक है, ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट इस सीरीज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ कॉट थीटा 7/8 एवोवुलेट, ठीक है, एवोवुलेट, ठीक, एवोवुलेट करना है। तो देख सकते हैं कॉट थीटा हमें गिवन क्या है स्टूडेंट, कॉट थीटा गिवन है हमें, ठीक, हमें कॉट थीटा गिवन है कितना 7/8, ठीक, कॉट थीटा गिवन है हमें, और हमें प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 + sin θ, 1 - sin θ, 1 + cos θ और 1 - cos θ, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कॉट स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या मान लें ट्रायंगल बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, यहाँ देखिए ए बी एंड सी, ठीक, और इसको हम क्या मान लेते हैं स्टूडेंट थीटा, ठीक, ये थीटा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं लेट, ये गिवन है, ठीक है, लेट ट्रायंगल ए बी सी एंड सी इज राइट एंगल, सी क्या है राइट एंगल है। अब देख सकते हैं स्टूडेंट हमने आपको बताया था कि पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, तो कॉट थीटा किसका उल्टा होता है टेन थीटा का उल्टा होता है, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है टेन थीटा का उल्टा, और टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, कॉट थीटा उल्टा हो जाएगा पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। अब देखिए थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बी सी, और ए बी क्या हो जाएगा बेस, ठीक, और हाइपोटेन्यूस ए सी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बेस हमारा क्या है ए बी, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बी सी। तो हम यहाँ से देखिए स्टूडेंट लेट कर लेते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा में से तो ए बी, ए बी इक्वल 7 के एंड बी सी इक्वल क्या हो जाएगा 8 के, ठीक। यहाँ से देखिए ए बी, ए बी कितना है 7
के एंड बी सी कितना हो गया 8 के। चलिए यहाँ से हम क्या लगा दें, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बे परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर और यहाँ से क्या हो जाएगा बेस मतलब ए बी का स्क्वायर। ठीक, अब हमारे पास ए सी स्क्वायर इक्वल बेस बी सी कितना है, बी सी है 8 के का स्क्वायर और ए बी कितना है 7 के का स्क्वायर। ए सी को आप देख सकते हैं 8 जा 64 और इंटू के स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा 7 जा 49 के स्क्वायर स्टूडेंट। ठीक, अब देखिए यहाँ से ए सी का होल स्क्वायर इक्वल 64 और 49 क्या हो जाएगा 9 4 3 की 9 और 4 13 की 3 और 4 6 10 और 113 क्या आ गया 113 के स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट देख सकते हैं ए सी का रूट ओवर 113 क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट ओवर 113 के स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा रूट ओवर 113 के, क्या आ जाएगा रूट ओवर 113 के। तो ए सी की वैल्यू स्टूडेंट आ चुकी है रूट ओवर 113 और बाहर आ जाएगा के। ठीक, तो ए सी की वैल्यू आ चुकी है 113 के। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट ए पार्ट राइट करने के बाद आप इधर आ जाइएगा इस पार्ट में, देखिए यहाँ राइट करने के बाद अब यहाँ सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे साइन थीटा, क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है बी सी और हाइपोटेनस क्या है ए सी। तो यहाँ से देख सकते हैं बी सी की वैल्यू कितनी आ चुकी, ए बी सी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 8 के और ए सी की वैल्यू क्या है रूट 113 के से के कट जाएगा तो साइन थीटा हमारे पास आ चुका है 8 अपॉन रूट ओवर 113। ठीक, साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देख लीजिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है कॉस थीटा की, कॉस थीटा देख लीजिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है यहाँ पे हम देख सकते हैं ए बी और हाइपोटेनस क्या है ए सी। तो यहाँ से देख सकते हैं 7 के अपॉन रूट ओवर 113 के। ठीक, तो यहाँ से के कट जाएगा तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल 7 अपॉन रूट 113। ठीक, अब यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट कि कॉस थीटा इक्वल 7 अपॉन रूट ओवर 113 और साइन थीटा क्या आ चुका है हमारे पास 8 अपॉन 100 रूट 3। ठीक, अब देखिए यहाँ से यहाँ पे सब क्या कर देते हैं, एक तो फार्मूला हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट फार्मूला क्या हो जाएगा 1 a + b a - b, कौन सा फार्मूला यूज होगा a + b और a - b क्या होता है a² - b². ठीक, तो देखिए a + b a - b तो a क्या है 1, a के जगह क्या ले ले स्टूडेंट 1 और b के जगह क्या हो जाएगा साइन थीटा, और इसी तरह यहाँ पे a के जगह 1 और b के जगह cos थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर - sin² थीटा और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 - cos² थीटा। ठीक, a 1² - sin थीटा और 1² - cos थीटा। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 1 - sin² थीटा और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 - cos² थीटा। अब स्टूडेंट देखिए आप यहाँ से 1 - sin² थीटा क्या होता है cos² थीटा। आइडेंटिटीज तो अभी मैंने नहीं बताया आपको, बस जस्ट इसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आएगा 8.3 उसके पहले मैं आपको आइडेंटिटीज दूंगा। ठीक, तो उसी के ऊपर बेस्ड है। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 - sin² थीटा और जस्ट यहाँ से 1 - cos² थीटा क्या हो जाएगा sin² थीटा। देखिए आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, sin² थीटा + cos² थीटा इक्वल क्या है 1।
तो यहाँ देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू हमने रिप्लेसमेंट किया यहाँ पे। अब देख सकते हैं स्टूडेंट कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक अब देख सकते हैं कॉस थीटा कितना है स्टूडेंट, सेवन अपॉन रूट ओवर 113। और यहाँ से देख सकते हैं कॉस थीटा क्या है, सेवन अपॉन रूट, और साइन थीटा क्या है, एट अपॉन 113 रूट ओवर 113। तो देख सकते हैं स्टूडेंट 113 रूट ओवर 113 कट जाएगा, तो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेवन अपॉन एट का होल स्क्वायर। और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, सेवन सेवन जा 49 और एट एट जा 64। तो क्या आ चुका है हमारा वैल्यू, फर्स्ट का आंसर आ गया है 49/64, दिस इज द आंसर नंबर फर्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे इस पार्ट को, सेकेंड पार्ट को, सेकेंड पार्ट क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक कॉट स्क्वायर थीटा क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या बनता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास सेवन अपॉन क्या हो जाएगा 113 रूट ओवर, और साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से एट अपॉन 113 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 113 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सेवन सेवन जा 49। देखिए सेवन का स्क्वायर सेवन सेवन जा 49 और एट का स्क्वायर एट एट जा 64, और ये कट गया। ठीक दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ सेकेंड, कॉट स्क्वायर थीटा और वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा वन प्लस कॉस थीटा और वन माइनस कॉस थीटा इक्वल 49/64। अब देखिए स्टूडेंट आपको मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ इसमें बेसिक चीज़, अगर आपको ये आइडेंटिटीज़ का यूज़ नहीं करना है तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं, वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा वन प्लस कॉस थीटा और वन माइनस कॉस थीटा की वैल्यू। देखिए वन तो रहेगा और साइन थीटा का वैल्यू रख जाएगा और कॉस थीटा की वैल्यू, और रिप्लेसमेंट हो जाएगा और आंसर यही आएगा 49/64। इसी तरह कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये बांट दिए और ये कट गए और 49/64। ओके स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट पार्ट। इस सीरीज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है स्टूडेंट अब देखिए, इफ थ्री कॉट ए, एक कॉट है टी इक्वल फोर, चेक वेदर वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। देखिए हमें दे दिया है गिवन थ्री कॉट ए इक्वल फोर, तो हमें चेक करना है कि इसकी वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर हो रही है कि नहीं, अगर वैल्यू बराबर होगी तो हम कह सकते हैं यस, अदरवाइज नॉट। देखिए सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, और कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक ये रफ फिगर है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे ए ए बी एंड सी, एंगल ए एंड बी इज राइट एंगल। ठीक स्टूडेंट अब देखिए सॉल्व, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं यहाँ से। देखिए आपको सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें थ्री कॉट ए इक्वल फोर। ठीक तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉट ए इक्वल फोर अपॉन थ्री। देखिए ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक अब आपको हमने बता चुका है पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। ठीक पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। चलिए सबसे पहले क्या, लेट ट्रायंगल ए बी सी, बी इस राइट एंगल, बी क्या है यहाँ पे राइट एंगल है, एंड एंगल ए एंड सी इस एक्यूट एंगल। कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ से कॉट ए की वैल्यू हमने क्या ले लिया है, फोर अपॉन थ्री। अब देखिए ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी, जस्ट उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब लंब, और जस्ट उसके बाजू वाला या नीचे वाला क्या बोलते हैं, ए बी क्या है यहाँ पे बेस मतलब आधार, और कर्ण ए सी है मतलब हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी स्टूडेंट। तो देखिए कॉट ए, कॉट ए किसका उल्टा होता है, टेन ए का उल्टा होता है, टेन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी। ठीक
अब ए बी की वैल्यू देखिए लेट कर लेते हैं, ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल 4k एंड बी सी इक्वल क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3k। तो ए बी की वैल्यू जो आई है 4k आ चुकी है और बी सी की वैल्यू क्या आ चुकी है 3k। देखिए डिस्टेंस थोड़ी छोटी है लेकिन ये रफ फिगर है स्टूडेंट, आप इसमें एक्यूरेट में नहीं जाएगा क्योंकि ये हमने रफ फिगर बनाया है। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम क्या फार्मूला राइट कर सकते हैं, यहाँ से आप पैथागोरस थ्योरम लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है बेस का स्क्वायर प्लस ए बी, ए बी कितना है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ठीक, ए सी की वैल्यू हमारे पास है नहीं, हमें फाइंड करना है बी सी, बी सी हमारे पास है कितना 3k का होल स्क्वायर और ए बी हमारे पास है 4k। स्टूडेंट देखिए यहाँ से ए सी का होल स्क्वायर 3 3 9 और k स्क्वायर, यहाँ से 4 4 16 एंड k स्क्वायर, यहाँ से देख सकते हैं ए सी का होल स्क्वायर इक्वल 9 और 16 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 25k स्क्वायर। ठीक है, 16 और 4 20 प्लस 5 25, तो यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट ए सी का रूट ओवर 25k का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ए सी 5 5 का क्या बनेगा पेयर्स, ठीक है 5 5 जो 25 और इसका पेयर्स बनेगा तो क्या हो जाएगा 5 और k का बनेगा तो k, k स्क्वायर का तो k, तो ए सी की वैल्यू क्या आ चुकी है स्टूडेंट 5k। आप देख सकते हैं ए सी की वैल्यू क्या आ चुकी है 5k। ठीक, अब देखिए हमें किसकी किसकी रिक्वायरमेंट है, टेन स्क्वायर और टेन की, टेन और कॉस और साइन की, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं स्टूडेंट टेन ए, टेन ए देखिए टेन ए स्टूडेंट निकाल लेते हैं यहाँ से, देखिए टेन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से देख लीजिए स्टूडेंट परपेंडिकुलर आपके लिए क्या है बी सी, बी सी अपॉन बेस क्या है ए बी, परपेंडिकुलर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन ए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बी सी ए के लिए और ए बी क्या हो जाएगा बेस, तो यहाँ से देख सकते हैं बी सी, बी सी की वैल्यू कितनी है 3k और ए बी की वैल्यू कितनी है 4k, के से के कट जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ चुका है टेन ए इक्वल 3/4, टेन ए इक्वल क्या आ चुका है 3/4। ठीक, अब देखिए यहाँ राइट करने के बाद यहाँ आ जाइए, अब और हमें क्या चाहिए कॉस ए, कॉस ए स्टूडेंट देखिए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है ए बी और हाइपोटेनस क्या है ए सी, तो यहाँ से देख सकते हैं ए बी कितना है 4k और ए सी कितना है 5k, के से के कट जाएगा तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा कॉस ए इक्वल 4/5, कॉस की वैल्यू क्या आ चुकी है कॉस ए की वैल्यू 4/5। अब देखिए स्टूडेंट कॉस ए हो गया टेन ए, अब हमें चाहिए साइन ए, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है इसमें बेस मतलब बी सी, परपेंडिकुलर क्या है लंब बी सी और हाइपोटेनस क्या है ए सी, बी सी देख सकते हैं स्टूडेंट कितना है 3k और ए सी कितना है 5k, के से के कट जाएगा तो साइन ए कितना आ जाएगा 3/5, साइन ए की वैल्यू आ चुकी है 3/5 स्टूडेंट। अब देखिए हमारे पास ये क्या है एल एच एस, ठीक ये एल एच एस एंड दिस इज आर एच एस, बोर्ड में स्पेस कम है इसलिए हम यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि दिस इज 1 - 10² a 1 + 10² a एल एच एस एंड कॉस ए स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा आर एच एस। चलिए सबसे पहले हम क्या लेंगे एल एच एस पार्ट, एल एच एस क्या है हमारा 1 - 10² a और 1 + 10² a। ठीक, अब देखिए यहाँ से स्टूडेंट 1 - 10a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/4 का होल स्क्वायर, यहाँ से देख लीजिए सॉरी यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + 10 की वैल्यू 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा एक और लाइन लिख दे रहा हूँ शायद तक दिखे, 1 - 3 3 9 और ये क्या हो जाएगा 4 4 16, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + 3 3 9 और 4 4 16। ठीक, अब आ जाइए ऊपर साइड, यहाँ पे इनविजिबल है तो देखिए यहाँ का क्या हो जाएगा, अब देखिए 16 और 1 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 16,
16 आएगा एलसीएम, तो 16 कितने बार, 1 कितने बार कटेगा, 16, तो 16 वन जा 16, यहाँ क्या आ जाएगा 16, माइनस 16 वन जा 16 तो 9 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह नीचे वाला पार्ट देख लीजिए क्या आ जाएगा, 16 प्लस 9 अपॉन 16, तो ये 16 से 16 कट जाएगा, तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं 16 में 9 चला गया तो 7, 7 अपॉन 16 प्लस 9 25, 7 अपॉन क्या आ चुका है स्टूडेंट, 7 अपॉन 25, दिस इज द LHS पार्ट, कौन सा पार्ट है ये LHS पार्ट। अब देखिए RHS हम ले लेते हैं, टेकिंग RHS, RHS क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक, कॉस स्क्वायर ए, अब कॉस ए की वैल्यू देख सकते हैं 4 अपॉन 5 है, 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, अब यहाँ देखिए माइनस साइन लगे, क्या माइनस साइन, साइन स्क्वायर ए, साइन की वैल्यू 3 अपॉन 5 का स्क्वायर, यहाँ देख सकते हैं 4 4 जो 16 और 5 5 जो 25 स्क्वायर है, तो 3 3 जो 9 और 5 5 जो 25, तो देखिए 25 कॉमन है तो एलसीएम 25, अब 16 माइनस 9, ठीक, क्या है 16 माइनस 9, 16 में से 9 जाएगा तो 7 अपॉन 25, आपके पास RHS की वैल्यू भी कितनी आ चुकी है 7 अपॉन 25, ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं LHS इक्वल RHS, LHS कितना है 7 अपॉन 25 और RHS कितना है 7 अपॉन 25, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा S, S हो जाएगा स्टूडेंट, दिस इज़ द फाइनल आंसर। देखिए स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज नहीं हो गया, इसके कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझिए, अगर आपसे पैथागोरस थ्योरम आता है तो आप यहाँ पे एक साइड निकाल लेंगे, और इसके बाद आप एक ट्रिक नहीं भूलिएगा, इस ट्रिक के ऊपर वर्क करना है अपन को, पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले लाल बटे कक्का के ऊपर वर्क करना है। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन।